देखिए, ये भानियावाला से लच्छीवाला जाने का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। सामने आपको दिख जाएगा, अभी आपको सामने ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, वो हल्का हल्का सा वो नया फ्लाईओवर बना है हरिद्वार के लिए। देखिए इधर की साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए सामने एक फ्लाईओवर बना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्लाईओवर है ये डायरेक्ट आपको देहरादून से लेके हरिद्वार के लिए डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पे आपको भानियावाला डोईवाला वगैरह नहीं कर आना पड़ता है, यहाँ पे आप ये डायरेक्ट फ्लाईओवर है। इधर से जाते हैं हम, ये इधर को जाएंगे तो आपको यहाँ से आप देहरादून चले जाएंगे, जहाँ से हम बोल रहे हैं यहाँ से जाएंगे तो हमें डोईवाला जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता इधर से है वो डोईवाला का है, और ये जो है हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है, उत्तराखंड की पूरी इन्वायरमेंट को दिखाया है। अब यहाँ से हम सीधा डोईवाला की तरफ, डोईवाला तो उस साइड में चला गया, यहाँ से हम देहरादून फ्लाईओवर के ऊपर चले गए हैं। अब यहाँ से आप यहाँ से भी लच्छीवाला जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। अगर आपको डोईवाला मार्केट घूमना है तो आप मार्केट में भी घूम सकते हैं, और यहाँ से भी आप लच्छीवाला जा सकते हैं। ये देहरादून से हरिद्वार का फ्लाईओवर है जो अभी कुछ टाइम पहले बना है यहाँ पे। उसके नीचे से जाना पड़ेगा, और अगर आप सीधा जाएंगे तो फिर आपको आगे से टर्न करना पड़ेगा। ये भी हम फ्लाईओवर के ऊपर है, आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद हमें कैसे टर्न लेना। देखिए दोस्तों, अब ये जो आगे आ गया, ये इधर हमारा डोईवाला आ जाता है सारा इस तरफ, और ये जो फ्लाईओवर है ये सीधा चला जाता है। यहाँ से हमारे इस सीधा देहरादून के लिए रास्ता है, और ये देखिए यहाँ से जो फ्लाईओवर से जुड़ रहा है, ये डोईवाला को फ्लाईओवर से कनेक्टिंग किया गया है, ताकि अगर कोई डोईवाला से आ रहा है तो वो इधर से भी आ सकता है। ये रोड देखिए, ये डोईवाला कनेक्ट हो रहा है देहरादून वाली रोड से, और ये फ्लाईओवर के ऊपर से रास्ता जा रहा है लच्छीवाला का।
नीचे से हम यहाँ से लच्छी वाला जाते हैं। अब हम आपको लच्छी वाला के अंदर का सीन दिखाएंगे थोड़ी। देखिए दोस्तों, ये लच्छी वाला नेचुरल पार्क है जो अभी अभी न्यू डेवलप हुआ है। यहाँ पे लिखा है आई लव लच्छी वाला नेचुरल पार्क देहरादून का। और ये हम लच्छी वाला के अंदर के लिए अब यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेंगे और गाड़ी का पास लेंगे ताकि हमें आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, अब ये लच्छी वाला की एंट्रेंस है और हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और टिकट चेक कराएंगे। ये लच्छी वाला के अंदर एंटर हो गए हैं टिकट दिखाने के बाद। ये घना घना जंगल, पहाड़ों के बड़े ये देखिए, वहाँ कितने आलीशान पेड़ हैं। कितना सुंदर रोड है ये लच्छी वाला का, नया रोड कितना अच्छा बना दिया है। अब हम अंदर लच्छी वाला के अंदर यहाँ से सीधा सीधा एंट्रेंस के बाद आप सीधा लच्छी वाला जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखिए वायर्स भी लगाए हैं ताकि जंगली जानवर इधर एंट्री ना कर सके। साइड साइड्स में ये पोल्स लगाए हैं और इस पर वायर्स लगाए हैं। देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ से हम आ गए लच्छी वाला, ये पुल है और इधर पार्किंग है। ये देखिए यहाँ पर ये पुल है बहुत सुंदर और इधर पार्किंग है। सामने गार्ड्स खड़े हैं एंट्रेंस पे। देखिए हम ये लच्छी वाला आ गए और यहाँ देखिए कितनी बड़ी डोर बेल टंगी है। वाओ, और ये लच्छी वाले की एंट्री है। यहाँ पे अभी टिकट चेक करवाना पड़ेगा। और देखिए लोग दोस्तों, कितना खूबसूरत ये है लच्छी वाला नेशनल पार्क जो है नया तरीके से मॉडिफाई हुआ है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए देवा और देवा के पापा, और ये देवा और ये देवा है जो घूमना करने आया है। यहाँ से एंट्रेंस है और अब हम लच्छी वाला के अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है नो प्लास्टिक यूज़। देखिए यहाँ पे है चाइल्ड एक्टिविटी एरिया, तो हम यहाँ पहले चलते हैं क्योंकि हमारे पास एक छोटू सा चाइल्ड है उसको लेके। देखिए हमारा बेबी जाने को तैयार ही नहीं थी, तो झरना इतना पसंद आ रहा है पानी के, बार बार इस पानी के पास ही आ जा रहा है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी डोरबेल लगी है, कितना अच्छा साउंड दे रही है। और यहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर सुंदर पार्क है लोग खेल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दिल बना रखा है फ्लावर्स का। अब पास से जाके देखते हैं असली फ्लावर है कैसा बना है। देखिए इधर भी कितना सुंदर सुंदर पेड़ों को पेंट कर रखा है, पेड़ों की जड़ों को।
मैं आपको पास से जाके दिखाऊंगी। कितना प्यारा प्यारा पेंट कर रहे हैं, देखो क्या सुंदर लग रहा है। वो वहाँ से पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं झड़ते हुए। देखिए वहाँ एक प्यारा सा स्माइली बुद्धा बैठा है, वो बता रहा है सबको कि हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो। देखो ये कितना प्यारा है। और वहाँ देखिए कितना प्यारा हार्ट बना रखा है लच्छी वाला में, इतनी सुंदर, इतना सुंदर हो गया है। आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ देखने के लिए। और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये कह रहा है हमेशा हंसते रहो भाई, रोना नहीं कभी। आप देखिए यहाँ पे आगे शायद वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए कोई पार्क बना रखा है। वहाँ लिखा है देव भूमि उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर है ये, देखिए देखिए दोस्तों कितना प्यारे पेड़ को पेंट कर रखा है, कितना सुंदर। यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा है आई लव देवभूमि उत्तराखंड, यू ऑलवेज लव उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे धरोहर करके म्यूजियम टाइप का यहाँ बनाया है, म्यूजियम है। देखते हैं अंदर जाके क्या है। म्यूजियम चार्ज कितना है? 20 रुपये का। 20 रुपये करने का चार्ज। देखिए बहुत सुंदर है। यहाँ पे चार्ज काटना पड़ता है पहले, बस उसके बाद अंदर एंट्री मिली, उससे पहले नहीं मिली। घर में हम जा रहे हैं म्यूजियम में, बहुत सुंदर है। और ये देखिए सबसे अच्छा कैसे बोल रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है, सच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लच्छी वाला। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर आओ और लच्छी वाला में आप ये सब चीज़ें देखो, नेचर को अच्छे से इंजॉय करो। Hello everyone, welcome to Lachimala Nature Park. You know what? Today is going to be a very special day for you. Today you will witness the combination of nature and technology that creates this magical world. Making up a sari chichi to pass my day. You will never forget this experience. ट्रीज के बारे में लिखा है, हर चीज के बारे में यहाँ पे अच्छे से लिखा है। अगर घूमने हो तो याद जरूर करना। और यहाँ तो और भी ब्यूटीफुल है, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ जरूर आना एक बार लच्छी वाला, प्लीज जरूर आइएगा। मेरी बेबी को देखो कितना खुश हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। छोड़ गए फिर करके यहाँ पे जितने भी उत्तराखंड के आर्टिकल्स हैं, जो अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ वगैरह हुई है जिनके, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की जितनी भी परंपराएं और जितनी भी रहम वेशभूषा होती है उन सब के बारे में दिखाया गया है, कौन कौन सी वेशभूषा में कैसे कैसे लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं।